अभी हमने बात की कि SDH के अंदर 10G तक डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। 10G तक डेटा ट्रांसमिट तो इजीली हो गया यदि 10G से, क्योंकि अभी हमारे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, 10G से अधिक डेटा यदि हमें ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल से एनालॉग को वापस कन्वर्ट करना, ये 10G से डेटा, 10G का मतलब है 10 GB/s ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए बड़ा ही क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चाहिए जो इतना फास्ट सिस्टम होगा कि 10 GB/s एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल से एनालॉग में। मान लीजिए 40G का सिग्नल है, 40G के सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के द्वारा रीड करना बहुत मुश्किल था। इस कारण 10G तक एक SDH की स्पीड को लिमिट किया गया कि 10G से ज़्यादा का अगर डेटा रहेगा तो SDH इस पर काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या कि साइंटिस्ट के द्वारा नया सिस्टम लाने के बारे में डिस्कशन हुआ, तो एक नया सिस्टम जो है हमारा है WDM, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में देखिए FDM जो टेक्नोलॉजी थी, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसियों पर F1 F2 F3 डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जो मल्टीप्लेक्सिंग की जा रही है वो कहला रही है FDM। TDM का मतलब था कि हर एक सिग्नल को एक निश्चित टाइम स्लॉट दिया गया, जिसे TDM कहा गया कि पहले चैनल को एक निश्चित समय दिया गया, उसके नेक्स्ट स्लॉट के अंदर नेक्स्ट सिग्नल जाएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, पहले वाले का नंबर जब पूरा रिंग घूम जाएगा, पूरा सर्किल घूमने के बाद में फिर दोबारा नंबर उसमें आता था। अब उसी के कंटिन्यूशन में एक टेक्नोलॉजी है WDM, यानी कि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का काम किया जाता है। इसमें जो भी सिग्नल आता है उस सिग्नल को एक डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा अलॉट कर दिए जाते हैं, वेवलेंथ दी जाती है। इट असाइन डिफरेंट लाइट वेवलेंथ टू डिफरेंट सिग्नल्स ओवर ए सिंगल फाइबर, एक ही फाइबर पर डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा अलॉट करके हम उसको इजीली इसकी मल्टीप्लेक्सिंग की जा सकती है। अभी ये डिस्कशन किया जा चुका है कि PCM, सोनेट, SDH थे वो TDM टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। PCM प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें देता था PCM से, SDH से ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर हम उसको आगे ट्रांसमिट फाइबर पे करते थे। टक के बारे में देखा हमने कि टक किस प्रकार से काम करते हैं, टक का अपना रूल आता है। और SDH से हम DWDM की तरफ क्यों गए, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज के कारण गए, डिस्पर्शन प्रॉब्लम थी, ऑप्टिकल डिटेक्शन सर्किटरी थी, 10G से ज़्यादा हम सर्किट पे नहीं चला सकते थे, उसको बहुत ही क्रिटिकल सर्किट चाहिए थे, पोलराइजेशन बहुत डिस्पर्शन होने लग गया, तो DWDM की तरफ बढ़ना पड़ा। DWDM का देखिए बेसिकली फंडा क्या बताना चाह रहा है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यदि हमारे पास में यहाँ से वॉइस का ट्रांसमिशन करना है, यहाँ पे आप उस पर एक वेवलेंथ लगा सकते हैं, वॉइस चला जाएगा। यहाँ से आपने वॉइस का दिया फिर चला जाएगा, यहाँ से डेटा देना है इस पर भी दिया आगे चला जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट आप इसको लैम्डा अलॉट कर सकते हैं, वेवलेंथ अलॉट कर सकते हैं, परंतु किसी भी सिस्टम में मीडिया की कॉस्ट यहाँ के इक्विपमेंट की कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। यानी डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, जो कि संभव नहीं है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में डिफरेंट डिफरेंट मीडिया लेड करवाए जाएं। यदि इन सभी मीडिया की जगह एक मीडिया यूज़ कर लिया जाए तो इसे कहेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। हमारा सेम देखिए सर्किट आप स्लाइड को, यही यहाँ से वॉइस डेटा जा रहा है, इसको इस मल्टीप्लेक्सिंग सर्किट में डाला गया। इसको अलग से एक वेवलेंथ दी गई, इसको अलग वेवलेंथ दी गई, इसको अलग से वेवलेंथ दी गई, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ दे करके इस एंड पे जाके डी मल्टीप्लेक्सिंग कर दी गई। अलग अलग वेवलेंथ के सिग्नल अलग अलग जहां उसकी आवश्यकता थी रिसीव एंड पर पहुंच गए हैं। मीडिया इसमें एक ही यूज किया गया, एक ही मीडिया से वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, एक ही मीडिया पे वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, इसे कहा गया WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का ये स्लाइड आपको दिख रहा है, इसे कहा जाता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो बेसिक आइडिया है वो आपके सामने स्लाइड में दिख रहा है कि एक लाइट को जब प्रिज्म पे डाला जाता है, एक लाइट को जब प्रिज्म पे डाला जाता है तो प्रिज्म में से उसके अलग अलग वेवलेंथ की हमें लाइट्स वापस मिलती है।
एक लाइट को जब प्रिज्म पे डाला गया तो डिफरेंट डिफरेंट हमें लाइट्स उसमें मिली है। अब रिफ्रैक्शन के फंडा को DWDM के अंदर समझना पड़ेगा। सामने वाली स्लाइड को अगर अपन देखते हैं, एक प्रिज्म दिखाया गया है। इस प्रिज्म के ऊपर देखिए, ये एक लाइट आ रही है, ये वाली लाइट इस पॉइंट से, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका परपेंडिकुलर है। इस प्रिज्म को समझने से पहले हम एक डेंस, जो DWDM की बात कर रहे हैं, WDM के कागज था वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसमें डेंस की बात क्यों की जा रही है, डेंस और कोर्स को समझने की कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होता है या जो डेंस एरिया होगा, पॉपुलेटेड से मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए जयपुर का जो कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें कहा जाता है कि डेंस पॉपुलेटेड एरिया, यानी कि घना एरिया, जहाँ पॉपुलेशन कम होती है उसे कहा जाता है डेंस पॉपुलेटेड, जहाँ ज़्यादा आबादी रहेगी डेंस पॉपुलेटेड एरिया रहेगा। उसी प्रकार से ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म के बाहर ये एयर है, ये एयर है, तो मान के चले कि ये एरिया डेंस नहीं कहलाएगा, ये एरिया डेंस कहलाएगा। आप इसको कंपैरिजन यूँ भी कर सकते हैं कि एक प्रिज्म के कंपैरिजन में पानी, हवा और पानी को देखिए कि जो लाइट है हवा में से पास हो जाएगी, पानी में से भी पास हो जाएगी, कांच में से भी पास हो जाएगी, परंतु लकड़ी या लोहे में से पास नहीं हो पाएगी लाइट। तो पानी का डेंस हवा से ज़्यादा होगा और हवा से इस प्रिज्म का या कांच का ज़्यादा होगा, लकड़ी का ज़्यादा होगा, परंतु लकड़ी में से लाइट पास नहीं हो पाएगी। तो वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर जो फंडा आप समझना चाह रहे हैं DWDM का, एक इस लाइट मीडियम से लाइट को इस प्रिज्म पे डाला गया। रिफ्रैक्शन का ये फंडा रहता है, कि ये जो लाइट ये जा रही, इस लाइट को सीधा निकल जाना चाहिए। अगर हम जनरल बात करें, अगर हम ये डेंस मीडियम नहीं होता तो लाइट यहाँ से सीधी निकल जाती, परंतु डेंस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो ये लाइट है ये इस परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाएगी। परपेंडिकुलर देखिए, हमारा ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली इसके, ये इसका ये परपेंडिकुलर है। तो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन का ये फंडा है कि जब लाइट को प्रिज्म पे डाला गया वो सीधी ना जा करके इस परपेंडिकुलर की तरफ झुक जाती है, जिसमें देखिए ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को थीटा एंगल कहा जाता है। और जब ये लाइट वापस इस प्रिज्म से बाहर निकलती है तो इस परपेंडिकुलर से ये दूर हट जाती है, ये जो एंगल होगा ये ज़्यादा होगा इस एंगल के कंपैरिजन में। तो रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि जब किसी लाइट को लाइट मीडियम से डेंस मीडियम पे डाला जाता है तो वो अपने परपेंडिकुलर के पास आ जाती है, और जब डेंस मीडियम से लाइट मीडियम में वापस ट्रेवल करती है तो वो उस परपेंडिकुलर से दूर हट जाती है। इस चीज़ को ही बेसिकली DWDM का बेसिक फंडा है। अब आप देखिए इसको, एक लाइट को आपने डाला, ये लाइट डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स के अंदर डिवाइड हो गई है, सबके ये आपको रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू के लैम्डा बताए गए हैं। लैम्डा बेसिकली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, डिफरेंट डिफरेंट दिखाई गई है फ्रीक्वेंसी। इसको ध्यान से देखिए, ये लाइट डाली गई, इस लाइट को इस मीडियम से गुजारा गया, इस मीडियम से वापस इस मीडियम से गुजारा गया, प्रिज्म से एक लाइट बन गई। यानी कि यहाँ से जो भी हमारे सिग्नल आए, यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहा है ये सिग्नल दिए जा रहे हैं उसको, यहाँ से एक सिग्नल गया, एक सिग्नल ये, एक सिग्नल ये, इस सिग्नल को डाला गया, जब सिग्नल बाहर निकलेगा तो यहाँ उसको एक लैम्डा दे दिया गया, एक वेवलेंथ दे दी गई, ये हमारा वेवलेंथ का मल्टीप्लेक्सिंग है। DWDM जो था स्टार्टिंग में 90 के आसपास स्टार्ट हुआ, उसे 25 से 50 गीगाहर्ट्ज़ बेसिक के हिसाब से रहा, 64 चैनल के हिसाब से रहा। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं जनरली 1310 या 1550 की वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अपग्रेडेड हो गया है। RVPN के अंदर भी 88 लैम्डा के DWDM लगाए गए, 40+48 के DWDM लगाए गए हैं। 80s के आसपास रिवर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था, SDS टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे ओवरलैप करते हुए DWDM टेक्नोलॉजी सक्सेस हुई। DWDM टेक्नोलॉजी के अंदर जो फाइबर के अंदर हमारा सिग्नल चल रहा है उसमें किस प्रकार से लॉसेज रहेंगे, इसको डिस्पर्सन कैसा रहता है वो देखिए। आप एक डिस्पर्सन देखिए, हमारी ये वाली एक पल्स है, जीरो और वन की फॉर्म में है, ये फाइबर में से जब गुजरेगी इस फाइबर, ये हमारा डिजिटल सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल है, बात कर रहे हैं हम
10G से यदि बड़ा सिग्नल होगा 10G से, कॉजेज पल्सन प्रोडिक डिपेंडेंट ऑन पोलराइजेशन, पीएमडी इज नो डिस्ट्रक्टिव अप टू 10G सिस्टम। 10G सिस्टम तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर 10G से सिस्टम जैसे ही बड़ा हुआ 40G तक किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आने लगी, ये जो पल्स है इस फाइबर में से निकल रही है, ये पल्स जब दूसरे एंड पे आपने यहाँ पे एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया, इसमें से पास किया, जब दूसरे एंड पे जा करके डिजिटल सिग्नल को वापस जब एनालॉग बनाया तो ये पल्स ऐसी बन जाएगी, यानी कि ये पल्स इस पल्स को ओवरलैप कर रही है, ये इस पल्स को ओवरलैप कर रही है। कि जो ओवरलैपिंग है ये एक प्रकार का सिग्नल ओवरलैपिंग जो हो रहा है यही पोलराइजेशन है, सिग्नल जो ओवरलैपिंग कर रहा है ये अपने आप एक पोलराइजेशन एरर को ही क्रिएट कर रहा है। पोलराइजेशन के बाद देखते हैं कि DWDM का यूज़ क्यों किया जा रहा है, DWDM के पीछे क्या लॉजिक है कि इसका इतना यूज़ क्यों बढ़ गया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका कैपेसिटी ज़बरदस्त है, इसी कारण DWDM का यूज़ किया जा रहा है। DW इज़ ए मल्टी चैनल ट्रांसमिशन, आप नंबर्स ऑफ चैनल को इसमें ईजिली ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमने SDH में देखा था कि 10G तक ही डेटा जा रहा था, 10G से डेटा ज़्यादा जाना, अब WDM के अंदर क्या होगा, यदि आप इसको SDH का डेटा भी 10G का इसमें दे देंगे, 5G का डेटा तो भी दे देंगे, STM 16 का है, STM 64 का कोई भी डेटा आप DWDM में दे देंगे। यदि किसी एक DWDM के अंदर आप देखिए, जैसे मान लीजिए आज की तारीख में सिस्टम विद 128 एंड 160 वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग आर ऑपरेशनल टूडे, यदि लगभग 160 वेवलेंथ तक हमारा काम अभी DWDM में चल रहा है, यदि आपने किसी एक SDH का, SDH मान लीजिए 10G पर काम कर रहा है और आपने ऐसे अगर मान लीजिए 100 लैम्डा के ऊपर भी डेटा दे दिया तो 100 × 10 तो यानी 200 गीगाबिट पर सेकंड या 400 गीगाबिट पर सेकंड की कैपेसिटी पर आप इजीली DWDM को काम करवाया जा सकता है। तो इसका कैपेसिटी अपग्रेडेशन हो गया। और DWDM के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा डेटा लाने के लिए DWDM लगाना जरूरी है, आप SDH का जो आउटपुट होगा वो भी WDM में दे सकते हैं इजीली। SDH का PDH का डेटा आपने इसको दिया, क्योंकि देखो DWDM का मतलब है आपका जो डेटा है उसकी मल्टीप्लेक्सिंग कराना है एक वेवलेंथ अलॉट करके। SDH का डेटा जो आउटपुट आया उसको भी एक लैम्डा अलॉट कर देगा, ये वेवलेंथ अलॉट करने के बाद में उसकी मल्टीप्लेक्सिंग होती रहेगी और डेटा दूसरे एंड में वापस DWDM से आप SDH में फीड करके आप अपना ओरिजिनल डेटा ले सकते हैं। ये देखिए आप इस प्रकार से ये दिखाया गया है कि आपने डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज के थ्रू प्रिज्म के निकाला है इसो और डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा आपको यहाँ मिले हैं और फाइबर पे जो ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा इजीली आपको मिल सकते हैं। ये DWDM का बेसिक आइडिया है कहने का मतलब, इसको भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं DWDM को कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो रहा है सिंगल फाइबर के ऊपर मल्टीप्लेक्सिंग करते हुए वेवलेंथ का। यहाँ पैसिव WDM मक्स और डीमक्स मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग, दूसरे एंड पे मल्टीप्लेक्सिंग भी होगी और डी मल्टीप्लेक्सिंग भी होगी। WDM के अंदर भी दो प्रकार के फ्लेवर हैं, कोर्स WDM और टेंस WDM। कोर्स WDM CWDM जिसे कहा गया है, हालांकि हम यूज अभी DWDM यूज कर रहे हैं, CWDM और DWDM में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना चाहूंगा। CWDM एक लैम्डा से दूसरे लैम्डा के बीच में, यानी ए वेवलेंथ से दूसरी वेवलेंथ के बीच में लगभग 20 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है। 20 नैनोमीटर को आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, परंतु ये अपने आप में बहुत बड़ी दूरी है। जो हमारा DWDM है इसके अंदर एक लैम्डा से दूसरे लैम्डा के बीच में लगभग 0.8 नैनोमीटर की डिफरेंस है। तो DWDM इसीलिए कहा गया डेंस, यानी कि इनके बीच की दूरी को कम कर दिया गया, जो दो वेवलेंथ है उसके बीच की दूरी जो कम हुई है इसलिए उसको DWDM कहा गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक इसके बीच में आप 3 लैम्डा एक्स्ट्रा यूज कर लिए, यहाँ से 20 लैम्डा था ये 0.8 लैम्डा था, 20 क्या और भी ज़्यादा यूज हो गई, 0.8 यानी कि 20 से भी ज़्यादा लैम्डा आपने इस बीच में यूज़ कर लिए है। तो जो हमारे पास सप्लाई हुए हैं DWDM 1550, 1550.8, 1551.6 इस टाइप के उसमें लैम्डा हमें मिलते हैं। कोर्स WDM और डेंस WDM की बात की गई थी। कोर्स तो नो डाउट 4 से 5 टाइम एक्सपेंसिव होगा,
इसमें सर्किट जो होगा वो कोर्स WDM के कंपैरिजन में DWDM का सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, परंतु नंबर ऑफ चैनल जो है DWDM में बढ़ गए हैं, तो अगर इसकी कंपैरिजन में कॉस्ट आती है तो फिर भी कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाती है। DWDM जो होगा वो लंबी दूरी तक अपने सिग्नल को ट्रैवल कर सकता है। ये भी एक वही DWDM का मल्टीप्लेक्सर और रिसीवर सिग्नल बताया गया है कि यहाँ से मान लीजिए कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया जा रहा है, ये मल्टीप्लेक्सिंग की जा रही है, पावर एम्पलीफायर यदि ज़रूरत है, बहुत दूरी है, 200 किलोमीटर को डिस्टेंस दिखाई गया, तो पावर एम्पलीफायर से हम उस ऑप्टिकल सिग्नल का एम्पलीफाई किया जाता है। बीच में एड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर लगाए जाते हैं, सिग्नल को, इस आने वाले सिग्नल को यहाँ पे इजीली उतारा जा सकता है या इसके अंदर सिग्नल को ऐड किया जाता है। ब्लू कलर में देखिए सिग्नल ऐड किया जा रहा है और रेड कलर में सिग्नल वापस ड्रॉप किया जा रहा है। ये सिग्नल यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है, रिसीवर पे वापस प्री एम्पलीफायर रहेगा, लाइन एम्पलीफायर बीच में रहेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग करके DWDM को आसानी से 200 किलोमीटर तक काम करवाया जा सकता है। SDH और DWDM के बीच में स्लाइड के अंदर कंपैरिजन किया गया है कि यदि SDH होते, SDH इतनी दूरी तक काम नहीं करता और 10G तक काम करता, और यही DWDM को 10G तक काम करना, तो क्या फर्क पड़ेगा। यदि मान लीजिए ये कन्वेंशनल TDM ट्रांसमिशन सिस्टम था, आपको SDH के लिए अगर आप उसी लैम्डा पे काम करते, SDH सिस्टम रहता, 10G पर काम करता, तो लगभग 40 किलोमीटर के बाद में आपको रिपीटर स्टेशन बनाने पड़ते, यानी कि हमें सिग्नल को रीजनरेट करना पड़ता। ये रिपीटर स्टेशन बनाए गए हैं जगह जगह पे सिग्नल को रीजनरेट करने, 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यदि 5 रिपीटर स्टेशन भी बना दिए जाते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट बढ़ रही है वो कॉस्ट को यहाँ पे ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा करके पूरा किया जा सकता है। DWDM के अंदर यही दूरी यदि मान लीजिए 120 किलोमीटर के ऊपर ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा करके इस सिग्नल को ट्रैवल करवाया जाता है। यहाँ से DWDM लगाया, यहाँ DWDM लगाया, बीच में ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगा दिए गए, तो इससे कम कॉस्ट के अंदर ये सिस्टम बनाया जा सकता है, और कैपेसिटी आपके डेटा की बढ़ गई, स्पीड आपके डेटा की बढ़ गई, तो क्यों ना फिर SDH की जगह DWDM टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। बेसिकली SDH और DWDM के बीच के कंपेरिजन है कि किस प्रकार, क्यों हमें DWDM की तरफ जाना पड़ा SDH को छोड़ करके। जो मैंने आपको बताया वही बातें ये रिपीट कर रहा है कि किस प्रकार से आप कौन सी वेवलेंथ को यूज़ करते हुए, सी बैंड और एल बैंड की वेवलेंथ को यूज़ करते हुए कितने लैम्डा को आप ट्रैवल करवाया जा सकता है। इसीलिए इसमें एक वर्ड आता है EDFA, एरुबियम डॉप फाइबर एम्पलीफायर। ये एक अपने आप में इट इज़ ए फाइबर एम्पलीफायर और लाइट एम्पलीफायर रहता है, इसको अलग से कोई एनर्जाइज करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस एम्पलीफायर को उस लाइट सोर्स पे यानी उस फाइबर पे ही लगाया जाता है। ये वेवलेंथ ऑप्टिकल सिग्नल को इजीली एम्पलीफाई करता है, मल्टीपल चैनल को एक साथ एम्पलीफाई किया जा सकता है। यदि मान लीजिए एक फाइबर से आप 10 लैम्डा पास कर रहे हैं, तो 10 लैम्डा को ये इजीली एम्पलीफाई कर देगा। ये जो रीजनरेटर, ये जो एम्पलीफायर है बेसिकली, ये रीजनरेटर की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं।